दक्षिण उत्तर में दिक्कत आती है, स्पॉट लगाने में दिक्कत आती है, नी कैप के नीचे। तो ये दिक्कतें क्या है, क्यों हो रही है? बेसिकली वो क्या रहा है हमारे साथ, ये हमारी एक मसल होती है VMO, फास्टेस्ट मिडिल ईस्ट ऑब्लिकस। तो VMO अगर हमारी वीक रह जाए, पटेला ट्रैकिंग खराब है, मतलब पटेला उठ के नहीं चलता है, पटेला चिपक के चलता है और लेटरली चलता है और गेसनल। अब कोई भी एक्टिविटी जिसमें फ्लेक्शन के अंदर मैं लोड दे रहा हूँ, नी मुड़ा हुआ है और मैं लोड दे रहा हूँ, स्क्वाट हुआ और सीढ़ी चढ़ना हो, इसमें क्या होता है, मेरा पटेला और ज्यादा चिपक और गिर जाता है। MRI में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि गिरावट चालू हुई है, जिस दिन उखड़ जाएगा उस दिन MRI भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्डोमलेशिया पटेला। एग्जैक्टली वही सिम्टम है, वही एग्जामिनेशन सब कुछ। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हमें एक तो फर्दर डैमेज बचाना है, आगे डैमेज नहीं। सो हमें आपका मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो मेरी पटेला ट्रैकिंग गवर्न करे। सो VMO जो एक नाम है वो तो करनी है, पर सिर्फ VMO एक्सरसाइज करके लोग ठीक से जाते हैं और बहुत सारी और भी चीजें होती है। सब मसल्स को एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि मेरी पटेला की ट्रैकिंग इम्प्रूव हो। अब आपने मुझे एक बताया कि नी कैप पहन के मैं चल लेता हूँ। सो नी कैप में क्या होता है, रिंग होती है सिलिकॉन की मैक्सिमम के अंदर, वो ट्रैकिंग को हल्का सा इम्प्रूव कर दी। नी कैप कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, वो आपके फर्दर डैमेज को बचा रही है। जो डैमेज हो गया उसको कहाँ ठीक करें, उसको ठीक हमें PRP से करना है। वो आपने एक्सरसाइजेस करी, बहुत अच्छी बात है, वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, वो हम भी आपको वही सिखाएंगे, वो हमें हर वीक एक बार करनी है ताकि हमारी ट्रैकिंग अच्छी हो। जो डैमेज हो गया है वो MRI में नहीं आ रहा क्योंकि डैमेज कम है पर तकलीफ दे रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए हमें हमारे ग्रोथ फैक्टर चाहिए। आपकी ग्रोथ फैक्टर आपके लिए काम करते हैं, मेरे ग्रोथ फैक्टर मेरे लिए काम, तो आपकी ग्रोथ फैक्टर हम जड़ से एक्सेप्ट करेंगे, नी में डालेंगे। नी में क्यों, क्योंकि नी में ग्रोथ फैक्टर होते नहीं, साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर नहीं होता ना के बराबर, इसीलिए हमारे घुटने गिर जाते हैं। सो सिंपल सा है कि ये ग्रोथ फैक्टर है जो TGF बीटा PDGF BDGF सब ग्रोथ फैक्टर है। तो दुनिया भर में हजार तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, हजार तरह के एक्सपेरिमेंट के बाद सबकी मेडिकल स्टडीज होती है, रिसर्च पेपर आते हैं, फिर मेटा एनालिसिस होता है, पता पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कारगर है, तभी तुम्हें मालूम पड़ता है। सो प्रोलोथेरेपी हुई, ओजोन हुआ, सब मिला मुलू के अब मालूम पड़ रहा है, ना तो जेल काम आता है ना वो काम आता है, कुछ काम आता है तो आपके शरीर की ग्रोथ फैक्टर है, वो हम अपने मिमिक नहीं कर पाए ना वो बना पाए, और बनाने की जरूरत क्यों है, अबंडेंस में है ना बॉडी में, ब्लड निकालूंगा ग्रोथ एक्सेप्ट करूंगा डाल दूंगा खत्म हो गया। तो ब्लड निकाला उसको हमने स्पिन किया, वो अलग निकल गई, 3 सेशन 77 डेज किया, 10 डेज कर लो, 7 to 15 डेज के ज्यादा करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च पेपर है, एक डॉक्टर ने एक एक महीने में दिए, एक डॉक्टर ने 15-15 दिन में दिए, एक ने 7-7 दिन में दिए, फिर मेटाएनालिसिस मालूम पड़ा एक एक महीने वाले वेस्ट है, 15 से 7 दिन के बीच में देना ही है, एक बार ही जाना 15 दिन ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन कराते रहेंगे। तो घुटने की जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, मेरे पास बहुत सारे आते हैं लोग, बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्ट इसी में एक्सपर्ट हूँ मैं, सो मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना वो भी एक्सपर्ट हो गए ठीक करने में, तो मुझे नहीं मालूम आप जिनके पास गए उनकी इसमें एक्सपर्टीज थी या नहीं, हो सकता उनको ओवरऑल बॉडी में हो, हो सकता है उनकी रिप्लेसमेंट में हो, अगर पढ़ाई होने की अलग बात होती है, पढ़ाई होने के बाद प्रैक्टिस भी चीज होती है, उनके सेंटर पे क्या सिर्फ वैसे ही लोग आए थे जिन्हें घुटने में दिक्कत थी, या दुनिया कमर दर्द भी जा रहा था, नेक भी जा रहा था, तो सब तरह के लोग जाते तो कैसे वो एक तरह के आदमी को ठीक कर देगा, फोकस है ना, तभी तो अपनी एजुकेशन मतलब उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। सो हो सकता है कि आप बहुत अच्छों के पास गए हो, पर मेरे को ना डाउट है कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना है इस चीज को ठीक करने का, हमारे पास PRP के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, PRP के बिना कौन सी एक्सरसाइज, हम आपको वीडियो कॉल पर हर वीक सिखाएंगे जी 6 महीने तक, ये रिहैब तो लंबा चलेगा ना, आपको हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे आप अभी है ना, 4 महीने तो चलता ही चलता है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।